सिक्स सेंचुरी बीसी पॉलिटिकल कंडीशन, उस समय जो महाजनपद थे उनकी राजधानियाँ और उनसे रिलेटेड जो रूलर या कोई इवेंट है उसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर होंगे इसमें, ठीक है? तो हम लोग वही देखेंगे। तो इसमें पहला है कि एक्सटेंट कॉइन ऑफ इंडिया वर, जो सबसे पहले इंडिया में जो कॉइन्स थे वो सिल्वर के थे, ठीक है? सिल्वर के थे, इवन मतलब कॉपर पहला मेटल था अपने यहाँ, मतलब इंडिया में इस्तेमाल किया जाने वाला कॉपर पहला मेटल रहा, लेकिन सिल्वर के कॉइन सबसे पहले बने, ठीक है? और किंग है और उनकी स्टेट, मतलब वो किस राज्य के राजा थे, प्रद्योत अवंती के थे, उदयन वत्सा के थे, प्रसेनजीत कोसाला के थे, अजातशत्रु मगधा के थे, ठीक है? फिर किंग और कैपिटल है अंग, चंपा, कोसल, साकेत या श्रावस्ती, वत्स, कौशाम्बी, मत्स्य, विराटनगर, ठीक है? विराटनगर। फिर कोसाला के जो रूलर थे समुद्र, जिनका मेंशन समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में है, उनका नाम महेंद्र है, ठीक है? फिर इपिग्राफिकल एविडेंस रिवील्स दैट अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ नंदा किंग अ कैनल वाज डग इन कलिंगा, ठीक है? मतलब एक एविडेंस है कि जो एक नंदा रूलर थे उनके ही इंस्ट्रक्शन पर एक कैनाल डेवलप किया गया था, वहाँ पर कैनाल खोदा गया था कलिंगा में, ठीक है? इसके एविडेंस हैं। फिर एंशियंट नेम ऑफ उज्जैन वॉज अवंतिका, अवंतिका। फिर मत्स्य महाजनपदा ऑफ 6th सेंचुरी BC वॉज लोकेटेड इन राजस्थान, ठीक है? मत्स्य जो था वो राजस्थान में, अवंती नीचे शायद महाराष्ट्र के आसपास है, हाँ ठीक है। फिर द एंशियंट सिटीज मेंशन इन महाभारत एंड महाभाष्य बोथ आर मध्यमिका एंड विराटनगर, ये दोनों हैं, ठीक है? विराटनगर का तो महाभारत में है, मतलब विराटनगर का है। फिर पाटलिपुत्र वॉज फाउंडेड बाई अजातशत्रु, पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी, ठीक है, जिसको अजातशत्रु ने बसाया था। फिर आउट ऑफ किमर रूलर्स नेमली चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्का, हु हैड मेड पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर फर्स्ट टाइम, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही बनाया था, ठीक है? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी सबसे पहले। कनिष्का का एक्सटेंट यहाँ तक नहीं था, मगध तक, लेकिन ठीक है। फिर द लेजेंड ऑफ उदयन एंड वासव दत्ता इज रिलेटेड टू उज्जैन, ठीक है? उदयन और वासव दत्ता की जो कहानी है वो उज्जैन से रिलेटेड है, 6th सेंचुरी BC ऑब्वियस है, ठीक है? फिर जो वैशाली है, वैशाली जो नगर था वहाँ पर जो पहली रिपब्लिक थी वो किस किसके द्वारा की गई थी, लिच्छवी, लिच्छवी, ठीक है, लिच्छवी में। फिर द फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग 6th सेंचुरी BC वॉज लोकेटेड एट वैशाली, कल हमने पढ़ा था ना कि जहाँ उनका परिनिर्वाण हुआ था बुद्धा का, वो भी रिपब्लिक थी, ठीक है? कौन सी थी, चंपा ना, और ये लिच्छवी भी, मतलब वैशाली भी रिपब्लिक है, रिपब्लिक थी। फिर आउट ऑफ द गिवन बुद्धिस्ट टेक्स्ट नेमली दीघ निकाया, त्रिपिटक, दीप वंश, अंगुत्तार, अंगुत्तार निकाया, विच हैज डिस्क्राइब्ड 16 महाजनपदा ऑफ से, अच्छा मतलब इनमें से जो भी मेंशन है ये सब बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, ठीक है? दीघ निकाय, त्रिपिटक, दीप वंश और अंगुत्तर निकाय, इसमें केवल अंगुत्तर निकाय में उन 16 महाजनपद के बारे में लिखा हुआ है, बाकी जो हैं वो भी नाम इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं और पूछ सकते हैं किसी एग्जाम में कि इनमें से बुद्धिस्ट रिलीजन कौन सा रिलेटेड टेक्स्ट है, ठीक है? फिर 16th जनपदा ऑफ एजेस ऑफ महाजनपद हैव ऑफन बीन मेंशन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, ठीक है? आउट ऑफ द गिवन जनपदास नेमली मगध, अश्मक, कम्बोज, चेदी, वत्स, विच हैव बीन मेंशन बाई पननी इन अष्टाध्यायी, अच्छा अष्टाध्यायी में कौन सा मेंशन है, मगध, अश्मक और कम्बोज, ठीक है? जो महाजनपदा थे मगध, अश्मक और कम्बोज, ये जो पाणिनि के अष्टाध्यायी है उसमें मेंशन थे, ठीक है? फिर 16 महाजनपद में से 8 है वो यूपी में थे, ठीक है? वो कौन कौन थे, कुरु, कुरु जो मेरठ दिल्ली थानेश्वर के पास है, मतलब उसमें पड़ता था, पंचाला जो बरेली और बदायूं है, और शौरसेना जो ब्रजमंडल एरिया है, वत्स प्रयागराज और बांदा वाला एरिया, कौशल अवध एरिया, मल्ला कुशीनगर देवरिया, अच्छा वो मल्ला था, ठीक है, कुशीनारा मल्ला जो कि रिपब्लिक था, काशी, वाराणसी, चेदी, ईस्टर्न बुंदेलखंड एरिया, ठीक है?
फिर अशोका वंद अवंती महाजनपदा एंड मर्ज इट इंटू मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग बिंदुसार रूल. दिस इज रिटन बाई बुद्ध घोषा इन द टेक्स्ट ऑफ समंत पसादिका. ठीक है, बुद्ध घोष ने एक किताब लिखी थी, कोई टेक्स्ट लिखा था समंत पसादिका, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो अवंती महाजनपद है उसको अशोक ने अपने मतलब मगध मगध में इंक्लूड कर लिया, मर्ज कर लिया जीत के. ठीक है, ऑब्वियस बात है. फिर अकॉर्डिंग टू महाभारत द कैपिटल ऑफ नॉर्थ पंचाल वॉज अहि क्षेत्र. अहि क्षेत्र ठीक है. चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ अंगा. अच्छा, चंपा वॉज कैपिटल ऑफ अंगा. अच्छा, ये जो 16 महाजनपद हैं इनकी सबकी अलग कैपिटल थी. पूछ भी सकते हैं और पूछते भी हैं. फिर कुशीनगर एंड पावा वर द ट्विन कैपिटल ऑफ मल्ला. ठीक है, कुशीनगर पावा दोनों ही कैपिटल थी मल्ला की. मल्ला रिपब्लिक था, अभी हमने देखा. वैशाली भी रिपब्लिक था. ठीक है, सुक्तिमती या सोथीवती वॉज कैपिटल ऑफ चेदी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 16 महाजनपदा. मथुरा वॉज कैपिटल ऑफ सूरासेना. ठीक है, सूरासेना वो उधर ही पड़ता था, मथुरा उसकी कैपिटल थी. द कैपिटल ऑफ मगध वॉज राजगृह. ठीक है, राजगृह, पाटलिपुत्र, ये सब एक ही मतलब उस इसी के कैपिटल है, मगध के आसपास ही है, बहुत दूर नहीं है. फिर महाजनपद विच वॉज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ गोदावरी वॉज अस्मक. अस्मक जो था वो गोदावरी के तट पर था महाजनपद. फिर जो पहली कैपिटल थी मगध की, गिरिवर्जा. ठीक है, गिरिवर्जा. द टाउन टाउन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंशंट श्रावस्ती इज क्रिसेंटिक. जैसे चंद्रमा, आधा चंद्रमा वो कहते नहीं, वैसा था वो, उसका शेप उस टाउन का, श्रावस्ती का. ठीक है, क्रिसेंट मून जो कहते हैं वैसे क्रिसेंटिक था. आउट ऑफ गिवन सिटीज नेमली गिरिवर्जा, राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, विच वॉज नॉट द कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर. कौशाम्बी. ठीक है, पहले सबसे पहले था गिरिवर्जा, फिर राजगृह, फिर पाटलिपुत्र, ये कैपिटल थी मगध की. कौशाम्बी नहीं था, कौशाम्बी अलग जगह है. फिर द इनिशियल रूलर ऑफ मगध हु किल्ड हिज फादर फॉर इनथ्रोइंग एंड वॉज ऑल्सो किल्ड बाई हिज सन फॉर द सेम रीजन, अजाशत्रु. ठीक है, ये कहानी मैंने कल सुनाई थी, तो वो अजाशत्रु की थी. उसमें इन्होंने जो इनके पिताजी थे बिम्बिसार, बिम्बिसार को मारा था इन्होंने, अजाशत्रु ने. फिर अजाशत्रु को मारा था उदाइन ने, उदाइन इनके बेटे थे अजाशत्रु के. ठीक है, द नेम ऑफ डायनेस्टी ऑफ अजाशत्रु वॉज हिरण्यका. ठीक है, द प्रिंस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ हिज फादर. दोनों, अजाशत्रु ने अपने बाप को मारा था, फिर उदाइन ने अजाशत्रु को मारा था, अजाशत्रु का बेटा उदाइन. ठीक है, द पावर ऑफ मगध वॉज एक्सटेंडेड ओवर द रीन ऑफ शिशुनाग. शिशुनाग. ठीक है, द डायनेस्टी विच रूल्ड ओवर मगधा आफ्टर नंदा. नंदा के बाद मौर्य आए थे. द इंस्क्रिप्शन विच इज एविडेंस ऑफ नंदा रूलर हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल. खारवेल में चेदी डायनेस्टी थी, मतलब खारवेल चेदी डायनेस्टी के थे, कलिंगा के रूलर. ठीक है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन वहीं पर है, और वहाँ पे भी अशोक ने, मतलब जब अशोक ने जीता था कलिंगा को, तो वहाँ पे भी कुछ वो बनवाए थे मूर्तियाँ वगैरह. उस पे आता है क्वेश्चन, एक बार आ चुका है, एक दो बार आ चुका है. ठीक है, फिर द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ मगधन डायनेस्टीज. सबसे पहले हिरण्यका, फिर शिशुनाग, फिर नंदा, फिर मौर्य, उसके बाद शुंगा. ठीक है, फिर द किंग ऑफ मगधा हु इज ऑल्सो नोन एज अप्रो परशुरामा. अच्छा, अप्रो परशुरामा, ये कौन सा? महापद्मनंदा. महापद्मनंदा मतलब काफी ग्रेट रूलर माना जाता है, काफी मजबूत माना जाता है अपने हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से. ठीक है, द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी इन मगधा वॉज महापद्मनंदा. द रीजन फॉर द राइज ऑफ बुद्धिज्म आर, मतलब रीजन दिया है उसमें, स्टेटमेंट में रहा होगा तो इन लोगों ने सीधे वही लिख दिया कि क्या रीजन थे. पहला है 6th सेंचुरी BC वॉज पीरियड ऑफ ग्रेट रिलीजियस अपहीवल इन द ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. फिर वैदिक रिलीजन हैज बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स. पता था कि इसमें रिचुअल्स और सेक्रीफाइस बहुत बढ़ गए थे, तो लोग उससे थोड़ा निजात पाना चाहते थे, तो उनको ये जैन और बुद्धिज्म काफ़ी अपीलिंग लगे. ठीक है, जीविका द फेमस फिजिशियन ऑफ द टाइम ऑफ महात्मा बुद्ध वॉज एसोसिएटेड विद बिम्बिसार. ठीक है, बिम्बिसार के टाइम में जीविका था. अभी हम ऐसे देखेंगे कि बहुत सारे आयुर्वेद के हैं जो जो आयुर्वेदाचार्य थे वो अलग अलग टाइम फ्रेम में हैं, और अलग अलग लोगों की कैप्टन उसमें थे, रीन में. ठीक है, फिर द टाउन ऑफ कल्पी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना. फिर एंशियंट प्लेसेस ऑफ यूपी और उनकी कैपिटल. ठीक है, कुरु की इंद्रप्रस्थ, कुरु बताया था अभी, वो जो NCR का उधर पोर्शन है, महाराष्ट्र मेरठ वाला. ठीक है, उधर था इंद्रप्रस्थ. फिर पंचाल की
अहिछद्र कुशाला की साकेत, वत्सा की कौशाम्बी। फिर करेक्टली मैच करना था इसमें महाजनपद और उसकी कैपिटल मत्स्य की विराटनगर, कुरु की इंद्रप्रस्थ, सूरसेना की मथुरा, अस्मक की पोटन, कुशाला की साकेत या श्रवस्ती। ठीक है, इनका सबसे बढ़िया तरीका है कि इनको लिख के रट लो। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये पूरे फैक्ट हैं, इसमें आपको रटना ही पड़ेगा। आउट ऑफ द गिवन टेक्स्ट नेमली अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, अर्थशास्त्र, दीर्घ निकाया, विच लिस्ट द 16 ग्रेट स्टेट्स, या सो दश महाजनपदा। अंगुत्तर निकाय के बारे में हमने पढ़ा था, भगवती सूत्र में भी है। ठीक है, मतलब ये दो टेक्स्ट बुक मिल गए आपने, पहले अंगुत्तर निकाय जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट था, और भगवती सूत्र, शायद ये ब्राह्मणिज्म से रिलेटेड होगा, तो ये भगवती सूत्र में भी मेंशन है इनका। ठीक है, द फाउंडर ऑफ कर्नाटा डायनेस्टी, इसका था नान्या देवा। नान्या देवा ये डायनेस्टी मुझे भी नहीं पता थी, ठीक है, अभी मुझे पता चला कर्नाटा डायनेस्टी, इसके जो फाउंडर थे नान्या देवा। ठीक है, द लास्ट किंग ऑफ कर्नाटा डायनेस्टी हरिसिम्हा देव। अब ये इतनी छोटी छोटी डायनेस्टी होंगी, बस ये कहीं मेंशन है और इन्होंने पूछ लिया उठा के, अब इनके पीछे आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो ये फैक्ट मिल गया है, इसको नोट कर लो, रख लो, हो सकता है फिर कभी आ जाओ किसी क्वेश्चन फॉर्म में। फिर है द आहत कॉइन्स और पंचमार्क कॉइन्स वर मेड अप ऑफ सिल्वर। पंचमार्क के बारे में मैंने बताया था कि जैसे कोई मेटल है उस पर वो किसी भारी ऑब्जेक्ट से ऐसे मार करते थे, तो उसी इसीलिए उसको पंचमार्क कॉइन कहा जाता था। बाद में उनको मोल्डिंग टेक्निक आ गई, तो उसमें हॉट मेटल या कहते हैं वो लिक्विड फॉर्म में जो मेटल होता है बहुत टेम्परेचर पे, उसमें डालते थे, मोल्ड करते थे, और फिर वो सिक्का मिलता था। ठीक है, वो टेक्निक बाद में आई थी, पहले ये पंचमार्क कॉइन ही थे। द कैपिटल ऑफ कर्नाटा डायनेस्टी वॉज सीमारोन। सीमारोन, अब ये कहाँ जगह है देखना पड़ेगा, ये डायनेस्टी भी देखनी पड़ेगी किस तरफ रूल करती थी। द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट श्रेणी इन एंशियंट इंडिया, और अच्छा स्टेटमेंट दिया है जो श्रेणी होते थे गिल्ड्स। ठीक है, श्रेणीज वर एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट एंड आर्टिसन, द क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस गुड एंड देयर प्राइस वर डिटरमाइंड बाय द श्रेणीज। ठीक है, श्रेणीज ऑल्सो कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ इट्स मेंबर्स, द प्रिवेलेंस ऑफ श्रेणीज इज मेंशन इन नॉर्थ एज वेल एज साउथ। ठीक है, तो ये जो श्रेणी या जिनको गिल्ड कहते थे, मर्चेंट के गिल्ड्स होते थे, आर्टिसन के गिल्ड्स होते थे, ये दोनों चीज़ कंट्रोल करते थे, जो मेंबर की कंडक्ट है वो, और जो प्रोडक्ट होता था उसकी जो क्वालिटी उसको भी डिटरमाइन करते थे। और ये साउथ में भी थे नॉर्थ में भी थे, मतलब साउथ इंडिया में भी थे नॉर्थ इंडिया में भी थे। फिर ग्रीक इन्वेशन, ग्रीक इन्वेशन, द डायनेस्टी रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ एलेक्जेंडर्स इन्वेशन, नंदा डायनेस्टी। ठीक है, धनंदा था शायद, हाँ धनंदा। ठीक है, एलेक्जेंडर वॉज इन इंडिया फॉर नियरली 2 ईयर्स, अच्छा ये 325 BC में ये इंडिया से गया था वापस। ठीक है, थ्योरीज बहुत हैं उनकी कि वो जीते या पोरस को हराए, लेकिन ठीक है वो थ्योरी में ही है। द वुमेन ऑफ इंडियन रिपब्लिक और किंगडम दैट हैव टेकन अप आर्म्स अगेन अलेक्जेंडर आफ्टर अ लार्ज नंबर ऑफ इट्स सोल्जर हैज बीन किल्ड और वोंडेड इन बैटल फील्ड वॉज मसगा। मसगा, ठीक है, ये मसगा भी जो अपना पश्चिम भारत है वहीं कहीं होगा, उत्तर पश्चिम भारत में ही, क्योंकि अलेक्जेंडर उससे आगे नहीं जा पाया या ऊपर नीचे नहीं गया था, वो कश्मीर की तरफ से, उधर से कश्मीर की तरफ एंटर किया था। ठीक है, द रीजन्स फॉर अलेक्जेंडर सक्सेस इन इंडिया वर, देयर वॉज नो सेंट्रल पावर इन इंडिया एट दैट टाइम, ही हैड अ सुपीरियर आर्मी, ही वॉज हेल्प बाई द ट्रेटर इंडियन रूलर्स। ठीक है, द ब्रेव इंडियन किंग हुम अलेक्जेंडर डिफीटेड, ये मतलब एक प्योर झूठ है जो हमें आज तक पढ़ाया जा रहा है कि अलेक्जेंडर ने पोरस को हराया था झेलम नदी के किनारे, और हम इसको पढ़ भी रहे हैं और ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ठीक है, फिर द करेक्टली मैच लिस्ट इज, अच्छा किंग दिया है और उसकी डायनेस्टी दी है, डेमेट्रियस इंडो ग्रीक किंग था, रुद्रदमन शाका शाका रूलर था, वीमा खडपिस कुषाण रूलर था, और गैंडो फर्निस पल्लवा रूलर था। पल्लवा रूलर था यार, ये मुझे ये थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजिंग लग रहा है, गैंडो फर्निस पल्लवा रूलर। ठीक है, देखेंगे इसको। फिर आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन नेमली निर्चूस, ओनिसिरिसेटस, डीमेचूस, अरिस्टोबुलस, हु हैड नॉट कम टू इंडिया विद एलेक्जेंडर, डीमेचूस, अब ये बाद में था ये शायद। ठीक है, डीमेचूस। फिर मौर्यन एम्पायर के बारे में क्वेश्चन था, द फर्स्ट इंडियन एम्पायर वॉज इस्टेब्लिश बाई चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, फर्स्ट इंडियन एम्पायर वॉज इस्टेब्लिश बाई चंद्रगुप्त मौर्य, तो भैया मगध नंदा डायनेस्टी में तो गया था, ये मौर्य एम्पायर पता नहीं किस सेंस में कह रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि जो नंदा डायनेस्टी थी भाई, उसने भी तो एक एम्पायर था, ऑल इंडिया एम्पायर कह सकते हो, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो मगध जो था वो बिहार यूपी और यहीं तक सीमित था, वो पूरे इंडिया पर नहीं था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने काफ़ी मतलब साउथ तक भी ले गए थे वो। आउट ऑफ द गिवन डायनेस्टीज नेमली गुप्ता, मौर्य, वर्धना और कुशाना, विच इज़ इंडियाज ओल्डेस्ट डायनेस्टी। अच्छा, इनमें से मौर्य सबसे ओल्डेस्ट है, वैसे होगा तो और भी मान लो, ठीक है, हिरण्यक वगैरह भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य फिगर प्रोमिनेंटली इन बुक ऑफ विशाखा दत्त का, जो मुद्रा राक्षस उन्होंने लिखी थी, विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी थी। मुद्रा राक्षस जो था वो नंद डायनेस्टी का सेनापति था, ठीक है, और विशाखा दत्त ये गुप्ता के टाइम में थे। इन्होंने ये बुक पीछे के टाइम में लिखी है, मतलब उनमें करीब होगा 700-800 साल का फासला, ठीक है। और मुद्रा वो नंदा डायनेस्टी का ये मुद्रा राक्षस जो था, सेनापति था, वो कैसे टैकल कर रहा था मौर्य को, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, उसके ऊपर ये बुक थी। आउट ऑफ द गिवन नेम विलियम जोन्स, वी स्मिथ, आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर, हु रिकोगनाइज सैंड्रो कोटास एज चंद्रगुप्त मौर्य? विलियम जोन्स ने इसको रिकोगनाइज किया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को जो ग्रीक बुक्स थी उसमें सैंड्रो कोटास के उसमें कहा गया है कि वो मतलब नाम उनका सैंड्रो कोटास लिखा गया है। फिर आउट ऑफ द गिवन नेम प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो, मेगास्थनीज, हु मेंशन द मीटिंग ऑफ सैंड्रो कोटास यानी चंद्रगुप्त विद अलेक्जेंडर द ग्रेट? जस्टिन ने लिखा था, जस्टिन ने। ये सब ग्रीक नाम है, प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो, मेगास्थनीज, ये सब ग्रीक फिलोसफर, हिस्टोरियन, वही सब है, ठीक है। कौटिल्या वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य इज ऑल्सो हिज चाइल्डहुड नेम, विष्णुगुप्ता। कौटिल्या, चाणक्य, विष्णुगुप्ता एक ही पर्सन है, ठीक है। द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्या इज अ बुक ऑफ ऑन प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू कौटिल्या अर्थशास्त्र फॉलोइंग इज करेक्ट, अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। अच्छा, उनके टाइम में मतलब जुडिशियल पनिशमेंट दी जा सकती है कि किसी को स्लेव कर लो। इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर सन, ही वॉज लीगली फ्री, ठीक है। अच्छा, ये भी सही है, मतलब ये उनके उस टाइम के रूल हैं। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन नेमली जनपद, दुर्ग, मित्र, कोशा, विच इज द सेवेंथ पार्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट। मित्र, ठीक है, सप्तांग थ्योरी थी चाणक्य की, मतलब उसमें उन्होंने बताया था कि सात चीज़ें होनी चाहिए किसी स्टेट के लिए, ठीक है, उसमें काफ़ी चीज़ें थी, जैसे ये बताया, मित्र, दुर्ग, जनपद, कोशा और स्टेट, पीपल, ये सब होने चाहिए, सात चीज़ें थी उसमें मिला के। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था किससे डील करता है? पॉलिटिकल पॉलिसीज से। टेक्स्ट कैन बी कंपेयर टू द प्रिंस ऑफ मैकियावली, ठीक है, वही चीज़, मैकियावली बहुत बाद में आया, उल्टा होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ भी बता रहे हैं कि मैकियावली को कैसे कंपेयर, मतलब इंडिया का जो अर्थशास्त्र है उसको मैकियावली से कंपेयर कर सकते हैं। डेमेट्रियस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ बिंदुसारा। हाँ, डेमेट्रियस बाद में आया था, बिंदुसारा चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, ठीक है, और उनके बेटे अशोक। चंद्रगुप्त पैलेस सिचुएटेड एट द पाटलिपुत्र इज मेनली मेड अप ऑफ वुड्स। ये पाटलिपुत्र में ये लकड़ी का बना महल था, अब इसकी बहुत कम अवशेष बचे हैं, क्योंकि लकड़ी का था, दीमक खा गए एक तरह से, ठीक है, वही कह सकते हैं, दीमक खा गया है, बस उसका सबूत है कि हाँ यहाँ कुछ था लकड़ी का। द रिमेन्स ऑफ एंशियंट सिटी विच हैव बीन फाउंड एट द कुम्हरार साइट, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र में कुम्हरार साइट में पाटलिपुत्र के अवशेष मिले, मतलब उस एंशियंट सिटी के। फिर बुलंदी बाग वॉज एंशियंट साइट ऑफ पाटलिपुत्र, इसी वहीं पे है सब चीज़ें। आउट ऑफ द गिवन रूलर नेमली अशोका, चंद्रगुप्त, बिंदुसारा, कुनाल, हु कॉन्क्वर्ड द डेक्कन? चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त ने। कुनाल अशोक के बेटे थे, ठीक है, कुनाल अशोक के बेटे थे, बाद में आएंगे वो, कुनाल की कहानी बताएंगे बाद में इसको पढ़ाने के बाद। आउट ऑफ द गिवन किंग नेमली हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, हु वॉज द फर्स्ट किंग टू कॉन्कर मालवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र? चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सारा ये कॉन्कर किया था, उन लोगों ने बाद में राज ही किया है, कुछ ऐसा खास जीता नहीं था। द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव चंद्रगुप्त स्वे ओवर वेस्टर्न इंडिया इज जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, ठीक है। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो है रुद्रदमन का, रुद्रदमन शाका रूलर थे, और उन्होंने उसमें बताया कि एक लेक थी, ठीक है, सुदर्शन लेक शायद, ठीक, उसको चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति ने बनवाया था, और वो उसका जो था बाउंड्री या कुछ टूट गया था, तो उसको इन्होंने रुद्रदमन ने मेंटेन कराया था, ठीक है, तो उसमें ही मेंशन मिला है। द गुजरात वॉज इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इज प्रूव्ड बाई, अच्छा, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, वही चीज़ है। द इंडियन किंग हु डिफीटेड सेलुकस द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ सिंध, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सिंध एंड अफगानिस्तान अपॉइंटेड बाय अलेक्जेंडर? चंद्रगुप्त। सेलुकस नेक्टर
सेल्यूकस निकेटर या सेल्यूकस नेक्टर जो था, जब अलेक्जेंडर मर गया तो उसके जो सेनापति या कह सकते हो कि गवर्नर थे अलग अलग जगह के, ये सिंध प्रांत, सिंध और अफगानिस्तान प्रांत का एडमिनिस्ट्रेटर था, जो बाद में वहाँ का राजा भी बना, ठीक है, जो क्योंकि अलेक्जेंडर मर के बिना किसी उत्तराधिकारी के, ठीक है, तो ये राजा बना। उसका फिर मार हुआ था चंद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त ने बहुत मारा, हराया भी, फिर इसने क्या किया, शादी करवाई चंद्रगुप्त से अपने बेटी की, और कई हजार हाथी इसको दान में दिए, मतलब दहेज के रूप में, और मेगास्थनीस भी भेजा था, मेगास्थनीस को भी इसके यहाँ चंद्रगुप्त के यहाँ भेजा था उसने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड द सेल्यूकस इन द ईयर 305 BC, ठीक है। द करेक्टली मैच लिस्ट इज समुद्रगुप्त कंटेम्परेरी किंग और उनके किंगडम कहाँ कहाँ थे, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के जो कंटेम्परेरी रूलर थे, धनंजय, वो कुशाल पुत्र, कुशालपुरा में उनका किंगडम था। फिर नील राजा, ये अवमुक्ता, ठीक है, और उसके बाद उग्रसेना, इनका पलक में था। विष्णु गोपा, ये कांची, इसमें मुझे कांची ही पता है, बाकी सारी प्लेसेस देखनी पड़ेंगी मैप में कहाँ थी। द किंग हु एस्टेब्लिश राजधर्म ऑन ट्राइप्लेक्स बेस ऑफ लॉन्ग लॉन्ग क्या है, लॉन्गेनिमिटी, लिबर्टी एंड कंपेशन, अशोका, ठीक है, ये जो ट्राइप्लेक्स था, लॉन्गेनिमिटी, लिबर्टी एंड कंपेशन, राजधर्म है उनका। फिर आउट ऑफ द गिवन टेरिटरीज, नेमली अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका एंड कलिंगा, विच वॉज नॉट पार्ट ऑफ अशोका एम्पायर, श्रीलंका नहीं था, सीलन में नहीं गए थे, सीलन में इन्होंने अपने बेटे को भेजा था प्रचार करने के लिए शायद, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन इंस्क्रिप्शन अशोका, नेमली थर्ड रॉक एडिक्ट, सेकेंड रॉक एडिक्ट, नाइन्थ मेजर रॉक एडिक्ट, फर्स्ट पिलर इंस्क्रिप्शन विच मेंशन द डिस्क्रिप्शन ऑफ साउथ इंडियन किंगडम्स, सेकेंड मेजर रॉक एडिक्ट, इनकी जो रॉक रॉक एडिक्ट और पिलर एडिक्ट है उसको रट लेना, उसमें मतलब कुछ कुछ चीज़ों का वर्णन है, वो पूछा जाता है मैथ कॉलम में या ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन वर बिल्ड बाई अशोका, ठीक है, कहते हैं वो पशु पक्षियों के लिए भी उन्होंने हॉस्पिटल बनवाए थे, ऐसा बोला जाता है। इन द स्पाइट ऑफ बींग बुद्धिस्ट, अशोका डिड नॉट लीव बिलीव इन हिंदुज्म, वैलिडेशन ऑफ दिस फैक्ट इज एपीथेट ऑफ देवनाम प्रिया, ठीक है, देवनाम प्रिया मतलब द वन हु इज लव्ड बाई गॉड, देवराम प्रिया पियादस्ती, इन्हीं का नाम था। द सोर्स दैट मेंशन द ऑकरेंस ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीन ऑफ अशोका आर दीपवंशा और महावंशा, दीपवंशा और महावंशा, ये श्रीलंका में लिखी गई दो टेक्स्ट थी, जो बुद्धिस्ट थे वहाँ के, बुद्धिस्ट मोंग थे, उन्होंने लिखा था दीपवंशा और महावंशा, उसमें अशोका का जिक्र है और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का जिक्र है, ठीक है। अब बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीन ऑफ अशोका वॉज हेल्ड एट पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र उनकी कैपिटल थी। द मौर्य रूलर हु वर द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, अशोक और दशरथ, अशोक और दशरथ, ये दशरथ जो थे शायद अशोक के बेटे थे, ऐसा कुछ था, मतलब ग्रैंडसन। रज्जुकास वर ऑफिशियल इन द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, रज्जुकास शायद स्पाई थे, ठीक है, देख लेंगे, पर ये मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में तो इतना पता है। सतवाहा वॉज कन्वॉय ऑफ मर्चेंट, अच्छा सार्थवाहा, ठीक है, सार्थवाहा कन्वॉय ऑफ मर्चेंट। आउट ऑफ द गिवन ऑफिशियल्स, नेमली अग्रहारिका, युक्ता, प्रदर्शिका, रज्जुका, विच वॉज नॉट पार्ट ऑफ द मौर्य किंगडम, अग्रहारिका, अब ये अग्रहारिका का मतलब वो देखना पड़ेगा, और ये जो युक्ता, प्रदर्शिका, रज्जुका हैं, इनका मतलब देखना पड़ेगा, क्योंकि वो तीनों जो हैं मौर्य किंगडम से रिलेटेड हैं, ठीक है। सारनाथ पिलर वॉज बिल्ड बाई अशोका, ईजी था ये तो। आउट ऑफ द गिवेन ऑप्शन, मेनली अमरावती, बाराहुत, सांची, सारनाथ, विच इज कंसिडर्ड द बेस्ट स्तूपा, सांची, ऑब्वियस बात है, सांची का स्तूपा बहुत प्लेन, बहुत अच्छे से बना हुआ है। सांची स्तूपा वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय अशोका, अशोका के टाइम में सिर्फ सांची ही नहीं बना है, और भी बने हैं, ठीक है, पर सांची फेमस है ज्यादा। द करेक्टली मैच लिस्ट आर कौशाम्बी, अच्छा प्लेस और उसके मॉन्यूमेंट या रूइंस जो भी अभी पड़े हैं वहाँ, कौशाम्बी में कौन सा है, घोषित रामा मोनेस्ट्री, कुशीनगर में रामा भर स्तूपा, सारनाथ में धामेक, श्रावस्ती में सहित महित, ठीक है, ये श्रावस्ती वाला कई बार क्वेश्चन में आया, सहित महित जो है स्तूप कहाँ है, ठीक है, श्रावस्ती में है। इन द कोर्स ऑफ पिलग्रिमेज एम्परर अशोका विजिटेड द प्लेसेस एंड फॉलोड द रूट, अच्छा मतलब बताया कि अशोक कहाँ कहाँ गए थे, उनका एक रूट था, तो उन्होंने जो मतलब बुद्धा के जीवन से जुड़ी जो जगह थी उनको विजिट किया था, उसमें लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, ये सारी जगह थी जहाँ वो गए थे, और इसी सीक्वेंस में गए थे शायद, ठीक है।
तो लैंग्वेज यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज प्रकृति। क्यों प्रकृत? क्योंकि प्रकृत जो थी वो लोकल लैंग्वेज थी, जो लोगों को समझ में आती थी। अगर वो संस्कृत में लिख देते तो लोगों के ऊपर से निकल जाता, ठीक है, ज़्यादातर लोग उनको उनको संस्कृत नहीं आती थी, ठीक है, तो प्रकृत, इसलिए उन्होंने प्रकृत का इस्तेमाल किया। आउट ऑफ द गिवन अशोकन इंस्क्रिप्शन विज खालसी गिरनार शाहबागजी मेरठ विच इज इन खरोस्ती स्क्रिप्ट, जो शाहबागजी करके है, ठीक है, बाजगरी, अच्छा शाह बाजगरी, ये जो नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंस था वहाँ पे पड़ता है, मतलब कश्मीर के आगे, ये कह सकते हो कि सिंध प्रोविंस में रहा होगा, ठीक, उधर ये पड़ता है, ये जो जगह है शाह बाजगरी, ये खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखा गया है। उधर की जितनी भी स्क्रिप्ट हैं, उधर दो एक दो और एक दो और इंस्क्रिप्शन हैं, वो खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखी गई है, ठीक है। फिर द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन द स्टोन वॉज इन द लैंग्वेज ऑफ प्रकृत। आउट ऑफ द गिवन स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया नेमली ब्राह्मी शारदा खरुष्टी और नंदनगारी विच वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। खरुष्टी ही थी जो राइट टू लेफ्ट थी, बाकी सारी लेफ्ट टू राइट है, ठीक है, क्योंकि खरुष्टी जो है शायद उनसे, जो इंडो ग्रीक थे उनसे प्रेरित थी, तो वो उल्टा लिखा जाता था, राइट टू लेफ्ट। द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज फर्स्ट डिसाइबर्ड बाई द लेटर्स इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन टैबलेट्स, ठीक है, स्टोन टैबलेट्स पर। फिर द फर्स्ट स्कॉलर हु रेड अशोकन एडिक्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी पूछा गया, सीधे सीधे यही चीज़ पूछा गया कि किसने डिसाइफर किया था अशोकन एडिक्ट्स को, या अशोकन जो अशोक के इंस्क्रिप्शन थे उनको, जेम्स प्रिंसेप, यूपीएससी में पूछा गया, पीसीएस में पूछा जाता है। प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज फाउंड एट अनुराधापुरा, अनुराधापुरा द नेम बाई विच अशोका इज रिफर्ड टू इन हीज इंस्क्रिप्शन प्रियादर्शी, ठीक है, प्रियादर्शी, प्रियादर्शी, और अभी हमने देखा था देवनाम प्रिया, ये सब अशोका के ही नाम थे, ठीक है। ये पूछ अभी ये भी पूछ सकते हैं कि किस इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है ये, या किस इंस्क्रिप्शन में उन्होंने अपना नाम भी रिवील किया है कि जो प्रियादर्शी है वही अशोका है, ठीक है, मस्की में था, एक में और है, मस्की में भी है। आउट ऑफ द गिवन किंग नेमली चंद्रगुप्त मौर्य अशोका समुद्रगुप्त हर्षवर्धना हु हैज बीन मेंशनड एज प्रियादर्शी एंड देवनाम प्रिया इन इंस्क्रिप्शन अशोका, ठीक है, प्रियादर्शी और देवनाम प्रिया। फिर द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग अशोकन स्टोन पिलर्स, दीज आर हाईली पॉलिश्ड, सही है, दीज आर मोनोलिथिक, हाँ, ये चीज मतलब जो ईरान में उस समय पर्शिया में भी बनते थे स्टोन पिलर्स, पर स्टोन पिलर्स नहीं थे, मतलब पिलर्स जो थे वो भी काफी डेकोरेटेड थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर था, जो इसमें जो ये क्वालिटीज लिखी हैं यही उनको अलग करती थी। पहला, वो बहुत पॉलिश रहते थे, अशोकन जो था, अशोकन स्टोन पिलर्स थे, हाईली पॉलिश थे, मोनोलिथिक थे, मोनोलिथिक मतलब एक ही पत्थर से बना होता था, ठीक है, उसमें कुछ जोड़ा गाटा नहीं है, वो एक ही पिलर को एक ही स्टोन को चिजल करके बनाया जाता था, उसी को पॉलिश करते थे। फिर द शाफ्ट ऑफ पिलर इज टेपरिंग इन शेप, ठीक है, टेपरिंग मतलब ऐसा गोल गोल, मतलब छोटा होता जाता है या बड़ा होता जाता है, वैसे, ठीक है, मतलब उसकी जो गोलाई थी वो कम होती या ज़्यादा होती जाती थी। तो जो पर्शिया में था, पर्शिया में वो सीमेंट वगैरह से बनता था, मोर्टार वगैरह से बनता था, तो वो देखने में तो अच्छा होता था, मजबूती उसमें उतना नहीं आ पाती थी। आउट ऑफ द गिवन एडिक्ट नेमली कालसी रूमनदेई स्पेशल कलिंगा एडिक्ट मस्की विच मेंशंस द पर्सनल नेम ऑफ अशोका, मस्की अभी बताया था, मस्की, मस्की में वो अपना अपना नाम बताते हैं कि मैं ही देवनाम प्रिया प्रियादर्शी अशोका हूँ, ऐसा करके। आउट ऑफ द गिवन इंस्क्रिप्शन नेमली गुर्जरा नहीं गुजारा अहरूरा ब्रह्मगिरी इन सारनाथ विच कंटेन्स द नेम ऑफ अशोका, हाँ ये गुजारा इंस्क्रिप्शन, ये दूसरी इंस्क्रिप्शन है, एक मस्की में थी और ये गुजारा दूसरी, दोनों में उन्होंने अपना नाम बताया। द रूमनदेई पिलर ऑफ अशोका वॉज पुट अप टू मार्क बर्थ ऑफ बुद्धा, रूमनदेई इंस्क्रिप्शन मतलब रूमनदेई कह सकते हो जहाँ पे बुद्धा का बर्थ हुआ था वहाँ पे है, मतलब नेपाल में है रूमनदेई पिलर, ठीक है। फिर मंदसौर इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू कुमार गुप्त वन, ठीक है, कुमार गुप्त वन। तक्षशिला कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू शाखर रूरर पत्तिका, ईरान, ये ईरान वो वाला ईरान नहीं है, ईरान इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू समुद्रगुप्त, ठीक है, ये कॉपर प्लेट थी शायद, ईरान कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऐसे करके है, ईरान इंस्क्रिप्शन, ठीक। द गुजरा माइनर रॉक एडिक्ट इन विच नेम ऑफ अशोका इज मेंशन इज लोकेटेड दतिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, ये गुजरा वाला दतिया डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है और मस्की वाला कर्नाटका में है, ठीक है। द
ओनली पिलर ऑन विच अशोकन डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ मगध, भाबरू, भाबरू पिलर। कलसी इज फेमस फॉर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका, ठीक है। द प्लेस इन उत्तराखंड वेयर अ कॉपी ऑफ एम्परर अशोकस रॉड रॉक एडिक्ट हैव बीन डिस्कवर्ड, कलसी, देहरादून डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, कलसी जो है वो देहरादून में है, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन रिलीफ स्कल्पचर डिस्क्रिप्शन नेमली कंगनहल्ली, सांची, सब्जगरही और सोहगौरा, इन विच रान्यो अशोका, किंग अशोका, इज मेंशन अलॉन्ग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। कंगनहल्ली, कंगनहल्ली में रान्यो अशोका का नाम है, ठीक है। ये तीसरा इंस्क्रिप्शन है जिसमें नाम है अशोकन रॉक एडिक्ट दैट डिस्क्राइब द विक्ट्री एंड इंजरीज ऑफ कलिंगा। ये 13th रॉक एडिक्ट था। 13th रॉक एडिक्ट में उन्होंने मतलब बताया गया है कि वो कलिंगा को जीते हैं या उस पर लड़ाई की है जो भी है। अच्छा, इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन। अशोकन इंस्क्रिप्शन दैट इज डिवोटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस कम्प्लीटली, ठीक है। मतलब रिलीजियस टॉलरेंस, अशोका ने जो कलिंगा वॉर किया था उसका रीजन अलग था, ठीक है, और उसके पहले ही वो इन सब में थे, मतलब रिलीजियस टॉलरेंस वगैरह में। तो ये रॉक एडिक्ट 12 जो है उसमें उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर बात की है। फिर अशोका स्पीक ऑफ रिलीजियस सिंथेसिस इन हिज वही रॉक एडिक्ट 12। आउट ऑफ द गिवन रूलर नेमली अशोका, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, कृष्ण देव राय, हु एडवाइज हिज सब्जेक्ट थ्रू हिज फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन, हु सो एवर प्रेजेज हिज रिलीजियस सेक्ट और ब्लेम्स अदर सेक्ट आउट ऑफ द एक्सेसिव डिवोशन टू हिज ओन सेक्ट विद द व्यू ऑफ ग्लोरिफाइंग हिज ओन सेक्ट ही रेदर इंजरीज द ओन ओन वेरी सिवियरली। अच्छा, ये अशोका का था, ठीक है। इतना बड़ा स्टेटमेंट कहाँ याद रहेगा कोई। द सेंट्रल पॉइंट इन अशोका धम्मा इज पॉलिसी ऑफ पीस, नॉन वायलेंस एंड रिलीजियस टॉलरेंस। अशोका का जो धम्मा था उसमें तीन चीज़ें थी, पॉलिसी ऑफ पीस, नॉन वायलेंस और रिलीजियस टॉलरेंस। द अशोकन मेजर रॉक एडिक्ट विच टेल्स अस अबाउट द संगम किंगडम इंक्लूड रॉक एडिक्ट, रॉक एडिक्ट 2 और कौन सा, ये 13th, ठीक है। इन दोनों में ही जो संगम किंगडम था उसका जिक्र आया है, अशोका की जो डिस्क्रिप्शन था, मेजर रॉक एडिक्ट दूसरा और 13वां, ठीक है। 13वें में ही कलिंगा के बारे में भी था, याद रखना, ठीक है। फिर साइट ऑफ अशोकास मेजर रॉक एडिक्ट और लोकेशन, ठीक है। तो धौली, धौली उड़ीसा में, ठीक है, धौली उड़ीसा में, और इरागुडी आंध्र प्रदेश, जोगाड़ा उड़ीसा, कालसी उत्तराखंड। धौली में ही मतलब धौली कलिंगा में है, हाँ ठीक है, कलिंगा भाई उड़ीसा उस समय का। आउट ऑफ द गिवन साउथ इंडियन किंगडम्स नेमली चोला, पांड्या, सती, सत्यपुत्र और सतवाहना, विच इज नॉट मेंशन इन अशोकन इंस्क्रिप्शन। सतवाहना वॉज नॉट मेंशन, क्योंकि सतवाहना साउथ के नहीं थे। अभी हमने पढ़ा कि साउथ के जो किंगडम थे उनका मेंशन था, तो ये याद रख लेना कि ये सारे मेंशन है, चोला, पांड्या और सत्यपुत्र, ठीक है। फिर आउट ऑफ द गिवन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका नेमली रॉक एडिक्ट 1, पिलर एडिक्ट 5, रॉक एडिक्ट 9, रॉक एडिक्ट 11, विच बैंस एनिमल सेक्रीफाइस ऑन सर्टेन फेस्टिवल गैदरिंग दैट प्रोबेबली इंक्लूड अ बैन ऑन एनिमल किलिंग एज वेल। पिलर एडिक्ट 5, ये मुझे याद था, पिलर एडिक्ट 5, ठीक है, यही मुझे याद है एक, कि उसमें उन्होंने, और इसमें ये भी मेंशन था कि मतलब अगर हिंदी में देखें तो उसमें बताया गया कि अब पशु पक्षियों के बल, जो उनकी बलि होती थी वो खत्म कर दी गई है, सिर्फ मोर और एक शायद हिरन ऐसा कुछ था कि वही दो चीज़ खा रहे हैं हमारे महाराज, ठीक है, बाकी चीज़ें तो बैन है। फिर इसका टॉलमी फिलोसफस हु हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद अशोका वॉज किंग ऑफ इजिप्ट, ठीक है। टॉलमी फिलाडेल्फस, ये इजिप्ट के राजा थे और इनका इनसे रिलेशन था अशोका से, ठीक है, ट्रेड रिलेशन थे मेनली, वैसा कोई जाति संबंध नहीं था। तुरामाया अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अशोका वॉज द रूलर ऑफ इजिप्ट। ये तुरामाया मतलब हो सकता है वो बाप बेटे या जो भी रहे, सक्सेसर या प्रेडिसेसर रहे होंगे इजिप्ट के, मतलब इजिप्ट से इनका रिलेशन अच्छा था अशोका। फिर द रूलर ऑफ द गिवन डायनेस्टीज नेमली चोला, चोला, गुप्ता, मौर्य, पलवा, विच हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद डिस्टेंस कंट्री लाइक सीरिया एंड इजिप्ट। मौर्य, मौर्य का रिलेशन भारत था, पलवा वगैरह कभी रहा होगा लेकिन इधर नहीं था, उधर था। द एंशियंट इंडियन रिकॉर्ड्स दैट इज द अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर टू प्रिजर्व फूड ग्रेन्स टू बी यूटिलाइज ड्यूरिंग क्राइसिस इन इंडिया, सोहगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। सोहगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में बताया गया कि फूड को प्रिजर्व करो ताकि जब कोई क्राइसिस होगी तब इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। फिर करेक्ट स्टेटमेंट, कोई क्वेश्चन रहा होगा उसमें करेक्ट स्टेटमेंट था,
अशोका एनेक्स कलिंगा टू मौर्यन एम्पायर, कलिंगा कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट्स टू साउथ इंडिया. ठीक है, ठीक है. द ट्रू स्टेटमेंट इज द मौर्यन किंग डिड नॉट बेस्टो लैंड ग्रांट टू रिलीजियस बेसिस. अच्छा, ये भी सही है. मतलब मौर्यन के टाइम में नहीं हुआ था ये, बाद में सत्वाहना वगैरह आया था, उन्होंने देना शुरू किया था रिलीजियस बेसिस पर. कलिंगाज विक्ट्री इज मेंशन्ड इन रॉक एडिक्ट 13. द मौर्यन पीरियड टैक्स इवेजन वॉज पनिश्ड विथ डेथ. भैया बहुत खतरनाक थी लोग, देख रहे हो, टैक्स नहीं दोगे तो जान ले लेंगे. फेमस ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीस केम टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. मेगास्थनीस वॉज एम्बेसडर ऑफ सेलुकस, सेलुकस नेक्टर बताया था अभी. ठीक है, मेगास्थनीस डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी इंटू सेवन कैटेगरीज. ठीक है, द सोर्स दैट स्टेट दैट देयर वर नो स्लेवरी इन एंशियंट इंडिया. मेगास्थनीस की जो इंडिका थी, उन्होंने बुक लिखी थी, उसमें ये बताया गया कि यहाँ पे इंडिया में कोई भी स्लेवरी नहीं है. द डिवीजन ऑफ मौर्यन सोसाइटी इंटू सेवन क्लास इज पर्टिकुलरली मेंशन इन मेगास्थनीस की इंडिका में ही थी. डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र इज अवेलेबल इन इंडिका. ठीक है, इंडिका में काफ़ी चीज़ें थी. अब इसमें वही सबका आंसर इंडिका या मेगास्थनीस ही है एक तरह से, जो इसे उसी से क्वेश्चन रिलेटेड थे. फिर जो मौर्य की जो सिटी थी, उनकी डिटेल मतलब कि कैसे वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, ये भी मेगास्थनीस की इंडिका में लिखा है. मेगास्थनीस जो बुक लिखी थी, उसका नाम इंडिका है. यही सब, यही क्वेश्चन है बार बार. फिर पाटलिपुत्र वॉज सराउंडेड बाई द रिवर्स गंगा इन द नॉर्थ एंड सोन इन द साउथ. ठीक है, गंगा और सोन का जहाँ कॉन्फ्लुएंस होता है, मगध का जो कैपिटल था पाटलिपुत्र, वहीं पे है. हरिसेना द फेमस पोएट ऑफ समुद्रगुप्त. अच्छा, हरिसेना जो था वो समुद्रगुप्त का पोएट था, समुद्रगुप्त के कोर्ट में पोएट था, और उसने ही प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी. ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति. द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मौर्यन किंग इज दे डेवलप्ड कल्चर, आर्ट, लिटरेचर, प्रोविंशियल डिवीजन, किंगशिप टू हिंदू कुश. अच्छा, वहाँ तक के थे. भागा एंड बली वर सोर्स ऑफ रेवेन्यू. भागा और बली, लैंड रेवेन्यू विच वॉज द चीफ सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग मौर्य पीरियड वॉज कलेक्टेड बाई द ऑफिसर सीताध्यक्ष. मतलब रेवेन्यू ऑफिसर होते थे सीताध्यक्ष, ये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे. ठीक है, द ऑफिशियल अग्रोनोमाई ड्यूरिंग मॉडर्न एज वॉज रिलेटेड टू फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड. एग्रोनोमाई ये रोड के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थे. सीता इन मौर्य पीरियड मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड. ठीक है, फिर द मौर्य पीरियड प्राणायाम, प्राणायाम वॉज इमरजेंसी टैक्स. ये बढ़िया था, प्राणायाम मतलब इमरजेंसी टैक्स मौर्य टाइम में. फिर आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन नेमली समहर्ता, व्यवहारिका, अंतपाला, प्रदेष्टा, विच वॉज एसोसिएटेड विद द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इन मौर्य मंत्रिपरिषद. समहर्ता, ठीक है, समहर्ता रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड था. फिर आउट ऑफ द गिवन मौर्यन ऑफिसर विज पोटवाध्यक्ष, पांड्याध्यक्ष, सीताध्यक्ष और सुंदाध्यक्ष, विच वॉज चार्ज ऑफ वेट एंड मेजर्स. पोटवाध्यक्ष, ठीक है, ये वेट और मेजर के से रिलेटेड थे. फिर है पंको डका सन्निरोध. पंको डका सन्निरोध ये पेनल्टी थी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में किसके लिए, रोड पर गंदगी करने के लिए, स्ट्रशिंग द रोड. ठीक है, रोड पर गंदगी फैलाने के लिए ये पेनल्टी दी जाती थी. फिर ऑफिसर और उसकी ड्यूटी, तो ऑफिसर कौन है, तालार, उसकी ड्यूटी क्या है, ऑफिसर ऑफ नाइट गार्ड्स. फिर पट्टा कोला, ये क्या था, विलेज टैक्स कलेक्टर. फिर सहस्थीपति ये ऑफिसर ऑफ द केस ऑफ डकैती. अच्छा, कहीं डकैती होगी तो ये जाएंगे भाई साहब. फिर बालाधिप, बालाधिप गार्ड ऑफ ऑक्ट्रॉय. ऑक्ट्रॉय मालूम क्या होता है, ऑक्ट्रॉय होता है जैसे किसी गांव में जब कोई चीज़ आती है इस तरह से, क्या कहते हैं, तो उसको रोक के वो जो टैक्स लेते हैं. ठीक है, कोई भी माल जब आता है गाँव की तरफ, उसको रोक के टैक्स लिया जाता है, जैसे टोल टैक्स होता है वैसा. फिर द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग मौर्य पीरियड वॉज तक्षशिला. ठीक है, तक्षशिला मौर्य पीरियड में था. तक्षशिला पता नहीं चला कि किसने बनाया था, लेकिन था वो. ठीक है, ड्यूरिंग अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्या द कोर्ट एग्जिस्टेड इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ मौर्य एज. धर्मस्थिका और कंटका शोधना. ठीक है, धर्माधीक्षिका, धर्मस्थिया और कंटका शोधना. ठीक है, ये दो चीज़ें थी जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड. द एस्पेक्ट ऑफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टूडे इज
कंटिन्यूइंग सिंस द पीरियड ऑफ मौर्य, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट। सोचो ये उनके टाइम में भी था, अपने यहाँ अभी ही बाद में आया, काफ़ी बाद में, अभी भी कई जगह नहीं होगा, लेकिन ये उस टाइम में था, देवर अहेड। विद रेफरेंस टू द कल्चर कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स, डायनेस्टीज, हिस्ट्रीज एंड एपिक टेल्स वॉज द प्रोफेशन ऑफ मगधा और सुतास। ये नाम है उन व्यक्तियों को जिनका काम था जो क्रॉनिकल्स हैं, मतलब जो डायनेस्टी की हिस्ट्रीज हैं, वो सब वो रटते थे, ठीक है, ये उनका प्रोफेशन था, मगधा और सुतास का। द सिस्टम गवर्निंग विलेज थ्रू ऑटोनॉमस इलेक्टेड पंचायत वर इवॉल्व बाई द्रविड़ा, मतलब चोला, चोला, ठीक है, द्रविड़ लिखा है चोला। आउट ऑफ द गिवन टेक्स्ट नेमली कामसूत्र, मानवाधर्म शास्त्र, शुक्र नीति सार एंड अर्थशास्त्र, विच अलाउड डाइवोर्स टू अ वाइफ डिजर्टेड बाई हर हस्बैंड। अर्थशास्त्र में ही ऐसा मेंशन है कि अगर कोई औरत अपने पति द्वारा छोड़ जाती है तो उसको समझ लो डाइवोर्स हो गई है, वो या डाइवोर्स मिल गया उसको। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन नेमली जातक, मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य एंड अर्थशास्त्र, विच प्रोहिबिट री मैरिज, मनुस्मृति री मैरिज को प्रोहिबिट करता है। द सोशल स्टेटस असाइंड टू द फॉरेनर इन इंडियन सोसाइटी बाई मनु वॉज फॉलन काला क्षत्रिय, ठीक है, फॉलन काला क्षत्रिय, मलेच्छा, शायद वही वही वर्ड था हिंदी में, मलेच्छा, फॉलन काला क्षत्रिय। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉरेन विजिटर टू हु केम टू इंडिया, मेगास्थनीज, फाहेन, विनसांग, आइसिंग, ये सारे ही चाइनीज हैं, ठीक है, मेगास्थनीज को छोड़ के, मतलब मेगास्थनीज तो ग्रीक था, फाहेन, विनसांग और आइसिंग, ये बाकी तीनों चाइनीज है। द करेक्टली मैच्ड पेयर आर चंद्रगुप्त, अच्छा नाम और उनके दूसरे नाम, चंद्रगुप्त, चंद्रकोटास, सेंडकोटास, बिंदुसारा, अमित्रघात, ठीक है, अशोका, पियादर्शी, पियादर्शी या पियादर्शी, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये सब उन्हीं के दूसरे नाम है, अलग अलग जगह मेंशन है। फिर द लास्ट मौर्य एम्परर वॉज बृहद्रथ, जिनको मारा था किसने, पुष्यमित्र सुंग ने, ठीक है, पुष्यमित्र सुंग उनके कमांडर थे, सेनापति। द करेक्टली मैच्ड आर द लास्ट मौर्य रूलर बृहद्रथ वॉज असैसिनेटेड बाई द कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र सुंग, द लास्ट सुंग रूलर, द लास्ट सुंग किंग देवभूति वॉज असैसिनेटेड बाई हिज ब्राह्मण मिनिस्टर वासुदेव कानवा, हु असर्ट टू द थ्रोन, द लास्ट रूलर ऑफ कानवा डायनेस्टी वॉज डिपोज बाई आंध्रास। अब देख लो, मतलब मौर्य को खत्म किया पुष्यमित्र सुंग ने, सुंगा को खत्म किया देवभूति ने, ठीक है, देवभूति को खत्म किया आंध्रा ने, ठीक है, आंध्रा मतलब कोई व्यक्ति, कोई जगह नहीं, वो व्यक्ति है कोई। आउट ऑफ द गिवन रूलर नेमली महापद्मनंदा, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य एंड रुद्रदामन, हु पेड अटेंशन टू द वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन गिरनार रीजन सम सेंचुरीज बिफोर द कृष्ण, अशोका, अशोका और चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त ने ही वो लेक बनवाई थी, ठीक है, अशोका ने भी किया होगा कुछ। सुदर्शन लेक लोकेटेड इन गिरनार वॉज रिनोवेटेड रिपेयर्ड बाय अशोका, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, इन तीनों, अच्छा चंद्रगुप्त ने बनवाया था, इन तीनों लोगों ने मेंटेन कराया अलग अलग टाइम पे, ठीक है, इसलिए कहा अभी जो उसके पहले वाला स्टेटमेंट था इसलिए वो रिलेटेड है। फिर द करेक्टली मैच्ड पेयर्स आर लूथल एंशियंट ऑर्कियड, सारनाथ, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, नालंदा, ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ठीक है। फिर द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डायनेस्टी ऑफ रूलर वॉज सतवाहना, उसके बाद वाकाटका, फिर चालुक्या। एमंग मॉरियन आइडल एंड आइडल इंस्क्रिप्ट विद द नेम ऑफ मणिभद्रा यानी यक्ष वॉज फाउंड फ्रॉम परखम, परखम, अशोकन इंस्क्रिप्शन इन पोस्ट वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मॉरियन एम्पायर नियर पेशावर वर इन खरोस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो इसको अभी यहीं विराम देते हैं, धन्यवाद।